छत्तीसगढ़ लोगों को गाढ़ा गाढ़ा बधाई और हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली साल के पहली त्यौहार जिसमें किसान मन अपन कृषि औजार के पूजा करते, गौ माता ला लोंदी खवाते और कर साथ साथ भेड़ी भी चढ़ते लड़का मन है घर में और कोठार में नीम के डारा भी खोजे जाते हैं ताकि वातावरण शुद्धता घर में जिन कीटाणु हैं तेन मत आए। तो ये प्रकार से तैयारी हरेली त्यौहार के रूप में हमन मनात हैं। तो हरेली त्यौहार के सब गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामना। पंद्रह साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, न कभी छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार जब वो लोग मनाएं। और जब से हमारी सरकार बनी है मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हर तीज त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्यौहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, तीज त्यौहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे, आज किसान चिंता से मुक्त है। और जब से हमने 20 क्विंटल खरीदने का फैसला किया है तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक बहुत बढ़िया वातावरण, खुशी का माहौल। आप सबको बधाई और शुभकामना। मान लिया जाए आपकी राह पे चल रहे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ मातारी तस्वीर वो लोग मंच में लगाए थे, प्रधानमंत्री के मंच में। पिछले साल अमित शाह जी आए थे, हरेली के दिन आए थे, तो वो लोग भी गौ माता को लोंदी खिलाने का काम उन्होंने किया था। तो नकल कर रहे हैं हमारे लगातार। अब छत्तीसगढ़ी बासी खा के हीन भावना से ग्रसित नहीं है, अब छत्तीसगढ़िया बासी खा के गर्व महसूस करता है। और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का जो नारा है आज पूरे प्रदेश में और इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया में है। सर, बेंगलोर में बैठक हो रही है, सभी केजरीवाल का है। बड़ी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि बेंगलोर अधिवेशन सम्मेलन का, बेंगलोर में जो बैठक हो रही है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे।